मौनी रॉय का वो काला सच जिन्हें सुनकर आप हिल जाएंगे। अपने फेमस टीवी सीरियल नागिन से लाइमलाइट में आने वाली मौनी रॉय आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की मोस्ट ट्रेंडिंग सेलिब्रिटीज में से एक है, जिनकी डेब्यू फिल्म गोल्ड में उन्हें अक्षय कुमार के साथ देखा जाएगा। इस वीडियो में हम आपको मौनी रॉय से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अर्ली लाइफ। कोलकाता से बिलोंग करने वाली मौनी एक ट्रेंड सिंगर और डांसर है, जिनकी फैमिली के रूट्स थिएटर से जुड़े हैं। इसी वजह से मौनी को बचपन से ही सिंगिंग और डांसिंग के लिए ट्रेन किया जाता था, पर स्कूलिंग के चलते ये दोनों चीजें मौनी की हॉबी बन के रह गई। एक्टर बनने से पहले मौनी का सपना एक आईएएस ऑफिसर बनने का था और वो अपने मास्टर के बाद पीएचडी करना चाहती थी। पैन उन्हें अपने एक्टिंग करियर के लिए मास्टर और जर्नलिज्म बीच में ही छोड़ना पड़ी। मौनी का बिग ब्रेक। 2006 में मास्टर की पढ़ाई के दौरान ही मौनी को एक टीवी सीरियल ऑडिशन के बारे में पता चला, जो उनके कॉलेज के पास हो रहा था। तो उन्होंने ऐसे ही उस ऑडिशन में जाने का मन बना लिया। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ऑडिशन उस वक्त के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू के लिए हो रहा था। तो जब मौनी को उस ऑडिशन में सेलेक्ट किया गया तो उन्हें बताया गया कि ऑडिशन क्योंकि सास भी कभी बहू के लिए किया गया था और मौनी को शो में एक साइड रोल ऑफर किया जाएगा। पर मौनी को कभी भी कृष्णा तुलसी के रोल के लिए नहीं सेलेक्ट किया गया था। वो रोल उन्हें तभी मिला जब उनका ऑडिशन एकता कपूर ने देखा और उन्हें लगा कि साथ वो तुलसी की लीगेसी को आगे बढ़ा सकती है। और फिर यहाँ से ही मौनी को कृष्णा तुलसी के कैरेक्टर के लिए साइन किया गया। सक्सेस और फेलियर। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में दिखने के बाद से ही मौनी को कई टीवी सीरियल ऑफर होने लगे और उन्होंने 2008 में शो को बीच में ही छोड़ दिया। मौनी का उस वक्त कहना था कि शो का शूटिंग शेड्यूल बहुत ही मिसमैनेज है, जिनकी वजह से उन्हें 24 घंटे तक ही सेट पर ही रहना पड़ता था। तो उसी वजह से मौनी ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी को छोड़ दिया और अगले 3 साल तक उनका कोई भी शो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उन्हें जब महादेव सीरियल में सती के रोल में देखा गया तो उनका करियर दोबारा चल पड़ा। उस शो के सक्सेस को देखकर ही उन्हें नागिन के लिए कास्ट किया गया, जिसे मौनी अपने करियर का लाइफ चेंजिंग शो मानती है। रिलेशनशिप। मौनी ने अपने करियर के शुरुआत में टीवी एक्टर गौरव कपूर को डेट किया और ये रिलेशनशिप मौनी और गौरव ने पब्लिकली भी डिस्क्लोज किया था। दोनों को साथ में टीवी शो एडवर्टाइजमेंट में कई बार देखा गया और माना जा रहा था कि दोनों जल्द ही शादी भी कर लेंगे, पर 2013 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर 2015 में यूमर्स आने लगे कि मौनी महादेव की लीड एक्टर मोहित रायना को डेट कर रही है। दोनों को हर जगह साथ साथ देखा जाने लगा और हमेशा दोनों एक दूसरे की तारीफ करते नजर आए। पर रिसेंटली ही मौनी और रोहित दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया है और इनका कहना है कि हम हमेशा ही फ्रेंड्स रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कॉन्ट्रोवर्सीज। अपने लव लाइफ और अपने तंत्रम की वजह से हर सेलिब्रिटी न्यूज में बना रहता है और वैसा ही मौनी के करियर में भी हुआ। चाहे उनका शो के बीच में से चले जाना या फिर नागिन की सक्सेस के बाद खुद सेट्स पर लेट आना, मीडिया में उनकी कंट्रोवर्सी आए दिन बनी रहती है। पर उनके करियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही है उनके लुक की ट्रांसफॉर्मेशन। उनके बिफोर और आफ्टर फोटोज देख के मीडिया में कई बार लिखा गया है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है, और जब उन्हें ये सवाल एक इंटरव्यू में पूछा गया तो मौनी गुस्सा होकर इंटरव्यू बीच में छोड़कर ही चली गई, जिसके बाद इस कंट्रोवर्सी को और भी वीटेस मिल गया। इसीलिए मौनी आज भी कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं करती। सलमान खान फैक्टर। 2016 में मौनी बिग बॉस शो नागिन की प्रमोशन करने आई तो वहां से मौनी और सलमान का कनेक्शन बनना शुरू हुआ। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑडियंस को बहुत पसंद आई और उसके बाद से ही उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आना शुरू हो गए। मौनी को 2017 में दोबारा बिग बॉस में सलमान के साथ देखा गया, इस बार तो दौड़ने ने साथ में डांस भी परफॉर्मेंस किया। इसके बाद ही मौनी ने गोल्ड फिल्म साइन की और फिल्म डायरेक्टर विमा कत्ती ने भी ये माना कि मौनी में सलमान के साथ उन्हें ना देखा होता तो वो मौनी को अपनी फिल्म में शायद ही कास्ट करती। मौनी को बिग बॉस में देखकर ही रीना ने उन्हें बंगाली वाइफ के कैरेक्टर में चूज कर लिया था। अनसीन वर्क्स। अपने कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मौनी डांस और थिएटर कम्युनिकेटर की एक्टिव मेंबर रही है। उनके एक थिएटर प्ले को देखने उनके 2008 की फिल्म रन के गली में बैकग्राउंड आर्टिस्ट का रोल ऑफर किया गया। मौनी ये गाना सिर्फ इसलिए किया कि उनका सीन अभिषेक बच्चन के साथ शूट किया जाना था। ऐसे ही क्योंकि सास भी कभी बहू थी से पॉपुलैरिटी मिलने के बाद उन्हें कई टीवी एड्स में देखा गया और 2011 में मौनी एक पंजाबी फिल्म हीरो हिटलर इन लव में नजर आई।
जहां उन्हें पंजाबी सीरियल बबू मान के अपोजिट कास्ट किया गया था। ये फिल्म फ्लॉप रही और बोनी इस फिल्म को अपना डेब्यू नहीं मानती। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें सीक्रेट फिल्मी टीवी, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।